तो जी हाँ, आज पंडित जी बता रहे हैं आपको पीपल के पेड़ का महत्व, तो आगे भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कि आज उनका पूरा दिन कैसे बीतने वाला है। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपके राशि में उच्च का सूर्य यद्यपि विराजमान है शुक्र के साथ, लेकिन आपके व्यय भाव में आपका राशि स्वामी मंगल राहु बुध के साथ भी विद्यमान है। तो एक चीज तो आपके लिए बहुत अच्छी है, वो अच्छाई क्या है, अचानक धन लाभ बनेगा, अचानक धन लाभ होगा। लेकिन वहीं दूसरी जगह आपको संभालना होगा, आज का खर्च संभालना आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे खर्चे आपके सामने आएंगे जिसे आप न चाहते हुए भी करने के लिए मजबूर रहेंगे। और कार्य क्षेत्र में आज आप जितना परिश्रम करेंगे उसके अनुरूप सफलता नहीं मिलेगी और थोड़ी सी निराशा भी हो सकती है। ये मंगल के व्यय भाव में होने का फल है। और हाँ, अगर आपने अपने मन में किसी प्रकार का घमंड या अहंकार किया तो इससे अपने लोगों से आपके संबंध जरूर खराब होंगे, इसलिए अगर विनम्र बने रहें तो आज का दिन आपका अच्छा व्यतीत होगा। दूसरों के कारण तनाव संभव है, पेट में हल्का तकलीफ हो सकती है, दूसरों की बातों को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। आज आपको चाहिए कि हनुमान मंदिर में गुड़ और चने का प्रसाद भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसी रहेगी, उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज और सेहत। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब तो आपके राशि में बृहस्पति पधार चुके हैं और आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि इस समय दशम भाव में है। भाग्य तो आपका साथ देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आप कहीं आज पैसा लगा देंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। आज महत्वपूर्ण फैसला लेना आपके लिए शुभ है, नई जिम्मेदारी भी मिलेगी, परिवार में कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। आज आपका आत्मविश्वास प्रशंसा के योग्य होगा, जिससे सेहत भी अच्छी रहेगी। परेशान हैं तो किसी समझदार व्यक्ति से सलाह लें, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य स्थान में शनि के साथ चंद्रमा विषयोग बना रहा है आज। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि आपके आय भाव में आमदनी के स्थान में उच्च का सूर्य है। धन लाभ के साथ साथ सेविंग करने में भी आप कामयाब रहेंगे, अधिकारियों से सम्मान भी मिलेगा, प्रमोशन की बातचीत हो सकती है, घर में शांति का माहौल रहेगा, लेकिन किसी परिचित से परेशानी संभव है। मन प्रसन्न रहेगा, जिससे सेहत का भी साथ मिलेगा। मुश्किल हालात से ना घबराएं, सट्टेबाजी से बचें, चावल की खीर में केसर डालकर भगवान को भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय आपका राशि स्वामी आपके अष्टम भाव में मृत्यु भाव में शनि के साथ है। ये आपका गोचर अच्छा आज का नहीं है, लेकिन डरिए मत, थोड़ा सा धन हानि का योग तो बना हुआ है। और यात्रा के दौरान अपने कीमती सामानों का ध्यान दीजिए, पैसा, रुपया, गहना, इन सब चीजों का ध्यान दीजिए। लापरवाही मत करिए, उसे भूलिए मत। काम में आज गलती संभव हो सकती है क्योंकि आपका राशि स्वामी विषयोग में है। विवाद और षड्यंत्र से बचिए, कोई अपना ही दुख, कोई अपना व्यक्ति आपको दुखी कर सकता है। सर्दी, जुकाम या एलर्जी से भी परेशानी हो सकती है। आज महत्वपूर्ण फैसले कोई आपको नहीं लेना चाहिए और अपने मनोबल को गिरने न दें। हल्दी का तिलक माथे पर करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है,
शुभरंग आपके लिए नीला है, जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए ऐसा है कि आपकी अगर सिंह राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा आज भी इस योग में फंसा हुआ है, आज धन हानि का योग बन रहा है, जरा सावधान रहिएगा। अगर आज का दिन नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो आप अपने काम से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपकी एकाग्रता आपका काम के प्रति फोकस ही नहीं हो पाएगा और ऊपर से काम का दबाव बढ़ेगा। कोई दिक्कत है तो अपनों से बात करके समाधान निकाल लीजिए, लेकिन उत्तेजित मत होइए। तनाव के कारण शरीर में दर्द हो सकता है, ज़्यादा भावुक ना हो वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। आज अपने हाथ में कलावा किसी सुयोग्य व्यक्ति से बंधवा करके तब घर से बाहर निकलें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है, जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, भले ही केतु आपके राशि में है लेकिन आपके भाग्य भाव में बृहस्पति है जो आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और आपका धनेश शुक्र भी धन भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अगर आज आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में चाहे शेयर में, निश्चित रूप से उससे आपको लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपको प्रशंसा मिलेगी और आपका पद भी बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा, बढ़ा हुआ आत्मविश्वास आपके सेहत को संभालेगा। जिद छोड़ दीजिए वरना भाग्य कमजोर हो सकता है। किसी धर्म स्थान में अपनी सेवा दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है, जय मां विंध्यवासिनी। तो अब तुला राशि का राशिफल जानेंगे कि आज उनका पूरा दिन कैसा बीतने वाला है और क्या कुछ उनको उपाय करने चाहिए। देखिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यद्यपि शुक्र सूर्य दोनों की दृष्टि है लेकिन शुक्र आपका राशि स्वामी है और इस समय अस्त है, इसलिए दृष्टि के बावजूद भी आमदनी और खर्चे का संतुलन बना रहेगा, आप कोई विशेष उपलब्धि नहीं अर्जित कर पाएंगे। हाँ अगर आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो कोई बड़ा टारगेट आप पूरा कर सकते हैं, और अगर आप नौकरी करते हैं तो अब प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं। परिवार में पूर्ण रूपेण सुख शांति रहेगी, आपके शरीर की ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। पैसों के पीछे भागते हुए रिश्तों को मत बिगाड़िए, कुत्ते को रोटी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है, जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र अपने व्यय भाव को देख रहा है, खर्चा तो बढ़ जाएगा और आज सेविंग्स बचत करने में भी थोड़ी सी मुश्किल होगी, और कार्य क्षेत्र में आप किसी गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। रिश्तों में ज्यादा भावुकता ठीक नहीं है, स्किन एलर्जी से भी परेशानी हो सकती है। धैर्य रखें और योजना बनाकर काम करें। मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके गुलाबी है, जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की, क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा आज उनका पूरा दिन रहेगा। देखिए ऐसा है, मैं आपका ग्रह गोचर बता रहा हूं, आपके धन भाव का स्वामी पराक्रम भाव में शनि देव हैं। अब आप ये मानिए कि आपके आय स्रोत का स्वामी शुक्र आपके आय स्रोत के स्थान को देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पहले से कहीं पैसा लगाया हुआ है, जैसे शेयर में कमोडिटी में पहले से पैसा लगाया हुआ है या प्रॉपर्टी में पहले से पैसा लगाया हुआ है, तो उसमें आज धन लाभ की पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन एक बात बताऊं आपको,
आपका राशि स्वामी जब छठे भाव में है तो काम करने में आज आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अगर आप धैर्य रख करके काम करें तो निश्चित रूप से ये परेशानियां थोड़े समय के बाद ठीक हो जाएंगी। और भाई बहन से बेवजह उलझने की कोशिश ना करें, क्योंकि आज तकरार की संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन अपने इंद्रियों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। सोच समझकर कोई भी काम करिए, और हो सके तो देखो, बड़ा पवित्र महीना है, एकादशी की तिथि है, एक पेड़ लगा दीजिए। कहीं नर्सरी से एक पेड़ खरीदिए और कहीं पार्क में लगा दीजिए, कहीं नदी के किनारे लगा दीजिए। शुभ अंक आपके लिए एक है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि का राशिफल आज कैसा रहने वाला है और उन्हें क्या कुछ अहम उपाय करने चाहिए, ये जान लेते हैं। मकर राशि के जातकों का ग्रह गोचर तो ऐसा है भैया कि द्वितीय भाव से लेकर के पंचम तक सारे ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसे में खूब पैसा भी आपको मिलेगा और खूब आप सेविंग्स भी दबा के कर पाएंगे। आत्मविश्वास भी आपका बढ़ा रहेगा और बड़े निर्णय लेने का आपको अवसर भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा, मन और तन दोनों का साथ मिलेगा। अपने पिता की सलाह को नज़रअंदाज लेकिन मत करिएगा। पंछियों के लिए पानी भर करके रखें। शुभ अंक आपके लिए दो है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। अब देखिए, कुंभ राशि में चंद्रमा शनि की युति है। अब हमको तो यही दिख रहा है कि आमदनी तो होगी, लेकिन उसी हिसाब से खर्चा भी बढ़ा रहेगा। और एक बात बताऊं, आज अपने ही धन का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। उसका कारण क्या होगा? आपकी मन स्थिति थोड़ी सी नकारात्मक और निराशाजनक रहेगी, इसीलिए आनंद नहीं ले पाएंगे। काम के कारण मजबूरी में आपको यात्रा करनी पड़ेगी, जिससे आपको कष्ट होगा। अपनों की भावनाओं को आपको सम्मान करना चाहिए। आंखों में तकलीफ हो सकती है, डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। किसी से परेशान हैं तो झगड़ा नहीं बल्कि शांति बनाइए। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। भाई देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल राहु बुध की स्थिति आपके राशि में है। अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो जरा अलर्ट रहिएगा, क्योंकि आज आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा भी सकता है। इसलिए पैसे का ध्यान रखिएगा, मैं एकदम आपको सच्ची बात बता रहा हूं। और काम से लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, देखते देखते नुकसान हो जाएगा। परिवार के साथ समय बिताने की कोशिश करिए। खाने पीने में थोड़ा सा संयम बरतिए, क्योंकि आज आपकी पाचन शक्ति थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, इसलिए खान पान का ध्यान रखिए। अपनी कीमती चीजों का भी ध्यान रखना होगा। ऐसे नहीं कि कोई सामान कीमती लिए हैं, सोफे पर बैठे हैं, वहीं रख करके फिर कहीं चल दिए। लापरवाही करेंगे तो नुकसान होगा। धूप में बैठे किसी व्यक्ति को छाता दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी।